हे देव, चंद्र हेयर। क्या आप जानते हो क्वांटम वर्ल्ड में सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट कौन सा है? किस एक्सपेरिमेंट के बिना हम क्वांटम वर्ल्ड के बारे में कुछ भी नहीं जान पाते, गेस करो। अगर आपने गेस कर लिया तो अच्छा है, अगर नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं। क्वांटम वर्ल्ड में सबसे इंपॉर्टेंट है स्कैटरिंग या कोलाइडर एक्सपेरिमेंट। फर्स्ट टाइम गाइगर मार्टिन एक्सपेरिमेंट जो हुआ था, जिसकी वजह से हमें न्यूक्लियस के बारे में पता चला, वो भी एक तरह का कोलाइडर एक्सपेरिमेंट ही था, जिसमें हमने बेसिकली अल्फा पार्टिकल को गोल्ड की थिन शीट के साथ कोलाइड करवाया था। अगर आप नहीं जानते कि गोल्ड का हमने यहाँ पर यूज़ क्यों किया था, तो गोल्ड के यूज़ करने के पीछे का एक ही रीज़न था, दैट इज़ गोल्ड सबसे ज़्यादा मेलिएबल सब्सटेंस है, एंड इसका यूज करके हम जितना थिन से थिन मेटल्स की शीट बनाना चाहे बना सकते हैं। एंड क्योंकि हम चाहते थे कि हमारा अल्फा पार्टिकल इस मेटल की शीट को क्रॉस करे, ताकि हम उसके स्कैटरिंग को ऑब्जर्व करके स्टडी कर सके, दैट इज़ वाई हमें गोल्ड का यूज़ करना पड़ा था, ताकि हम कुछ ही एटम के थिकनेस के बराबर मेटल की शीट का यूज़ कर सकें। तब से लेकर आज तक हम टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट के मामले में काफ़ी आगे आ चुके हैं, एंड ऐसे एक्सपेरिमेंट आज अतीत की बात बन चुके हैं। आज हमारे पास पूरे वर्ल्ड में बड़े बड़े कोलाइडर्स हैं जो ऐसे एक्सपेरिमेंट को काफ़ी एफिशिएंसी के साथ कर सकते हैं, एंड दैट टू एट वेरी हाई स्पीड। बट हाई स्पीड पे क्यों? हाई स्पीड पे कोलाइड करवा के हमें ऐसा क्या मिलेगा जो स्लो स्पीड पे कोलाइड करवाने के बाद नहीं ऑब्जर्व होगा? सोचने वाली बात है, राइट? इसका जवाब बहुत ही सिंपल है। अगर हम दो चार्ज पार्टिकल को कोलाइड करवाते हैं, तो ऑब्वियसली दोनों पे सेम चार्ज होने की वजह से वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एंड इस वजह से एक दूसरे से कभी कोलाइड ही नहीं कर पाएंगे। बट हाई स्पीड पे ना सिर्फ इन दोनों का कोलिजन होता है, बल्कि E=mc² की वजह से, अगर इस कोलिजन की वजह से इनफ एनर्जी एक पॉइंट में एक्यूमुलेट होता है, तो या तो ब्लैक होल या दूसरे फंडामेंटल पार्टिकल्स का जन्म हो सकता है। एंड ये हमारे लिए इस पॉसिबिलिटी को ओपन करता है कि हम न्यू फिजिक्स को एक्सप्लोर कर सकें। आफ्टर ऑल, ऐसे ही तो हमने हिग्स की खोज की थी, एंड होपफुली ऐसे ही हम सुपर सिमेट्री एंड दूसरे चीज़ों की खोज भी करेंगे। बट उन हार्ड एंड कॉम्प्लिकेटेड आइडियाज को समझने से पहले हमारे पास इस पार्टिकल एक्सेलरेटर के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान तो होना बहुत जरूरी है। आफ्टर ऑल, जिस मशीन का यूज करके हम बिग बैंग के करीब के एनवायरनमेंट को क्रिएट करते हैं, उस लेवल की एनर्जी स्केल को रीच करते हैं, वो मशीन आखिर काम कैसे करती है, इसका थोड़ा बहुत अंदाजा तो हमारे पास होना बहुत जरूरी है। सो इस वीडियो में एग्जैक्टली हम उसी काम को करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे साथ पार्टिकल फिजिक्स के इस दुनिया में पार्टिकल एक्सेलरेटर की फिजिक्स को जानने के लिए तैयार हो, तो वीडियो के अंत तक जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। इफ यू नो, हमारे पीरियोडिक टेबल का सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट है हाइड्रोजन, जो कि एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बनता है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, एंड इसलिए उन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फील्ड के डायरेक्शन के अगेंस्ट फोर्स लगता है। तो वहीं प्रोटॉन जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, उन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फील्ड के अलॉन्ग फोर्स लगता है। जब हम इन हाइड्रोजन एटम्स को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हैं, एंड इसकी स्ट्रेंथ को और भी बढ़ाने लगते हैं, तो इन पे लगने वाले इस फील्ड की वजह से, इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से, ये एक दूसरे से धीरे धीरे करके दूर जाने लगते हैं, एंड पर्टिकुलर समय बाद सारा इलेक्ट्रॉन हमारे प्रोटॉन से सेपरेट हो जाता है, एंड इसके बाद इन प्रोटॉन्स को हम एक्सेलरेटर में एक्सेलरेट करवाने के लिए सेंड कर देते हैं। मे बी इफ यू आर ए क्यूरियस पर्सन, आप सोच रहे कि हमने भी इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन को सेपरेट किया, तो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? क्या हम उन्हें एक्सेलरेट नहीं करवाते सन जैसे एक्सेलरेटर में? दिस इज ए रियली गुड क्वेश्चन, बट सैडली हमारा सन एक सर्कुलर एक्सेलरेटर है, यानी इसके एक्सेलरेट करवाने वाले सेटअप एक सर्कल के शेप में है, एंड इस वजह से इलेक्ट्रॉन जैसे हल्के पार्टिकल जो कि मैक्सवेल इक्वेशन को ओबे करते हैं, वो अपनी स्मॉल मास की वजह से बहुत ही ज़्यादा एनर्जी लूज करते हैं, एंड उन्हें एक पर्टिकुलर स्पीड के बाद एक्सेलरेट करवाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। तो वहीं प्रोटॉन जो इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा हैवी है, ये सर्कुलर एक्सेलरेटर मोशन में बहुत ही कम एनर्जी लूज करता है, एंड इस वजह से इसका यूज करके हम बहुत ही हाई एनर्जी तक इसे एक्सेलरेट कर सकते हैं। हाइड्रोजन एटम से प्रोटॉन को सेपरेट करने के बाद हम उसे कई स्टेजेज में एक्सेलरेट करते हैं। फर्स्ट उसे लाइनेक या लीनियर एक्सेलरेटर में इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करके एक्सेलरेट करने के लिए छोड़ दिया जाता है, जिस काम को इस एक्सेलरेटर में बने छोटे छोटे रेडियो फ्रीक्वेंसी कैविटी में किया जाता है। इन छोटे छोटे कैविटीज में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को मेंटेन किया जाता है, जिसमें करंट की डायरेक्शन बदलती रहती है, बट इस ऑसिलेशन को यू कुछ इस तरह से मैनेज किया जाता है कि जब प्रोटॉन इस कैविटी के किसी भी पर्टिकुलर हिस्से में हो, तो उस पर फोर्स हमेशा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही लगे, एंड जब इनकी एनर्जी 50 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो चुकी होती है, या ये 31.4% स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहे होते हैं, तो हम से प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन बूस्टर या PSB में कुछ और राउंड लगाने के लिए छोड़ देते हैं। PSB एक सर्कुलर एक्सेलरेटर है जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों का यूज करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करके वो चार्ज को एक्सेलरेट करवाता है, तो वहीं मैग्नेटिक फील्ड का यूज करके चार्जेज को नेविगेट करवाता है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करके चार्जेज की स्पीड बढ़ाई जाती है, तो वहीं मैग्नेटिक फील्ड का यूज करके उनके डायरेक्शन को बदला जाता है, ताकि वो PSB के अंदर ही रहें। इसके बाद जब हमारे प्रोटॉन की एनर्जी 1.4 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो चुकी होती है, एंड वे अप्रॉक्सिमेटली 91.6% स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहे होते हैं, तो हम उन्हें प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन में सेंड करते हैं, जहां उनकी एनर्जी को 26 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक बढ़ाया जाता है, एंड यहां वो 99.93% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट को अटेन करते हैं। एंड इसके बाद उसे हम SPS में भेजते हैं, जहां वो 450 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 99.9998% स्पीड ऑफ लाइट तक एक्सेलरेट करता है, एंड इसके बाद उसे स्प्लिट करते हुए 27 किलोमीटर सर्कमफेरेंस वाले LHC में सेंड करते हैं।
यहाँ पार्टिकल को थोड़ा और एक्सेलरेट करवाया जाता है एंड जब वो 99.9999991% स्पीड ऑफ लाइट को अटेन कर चुका होता है एंड 4 टेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी स्केल पर पहुंच चुका होता है तो उन्हें कोलाइड करवाया जाता है। बट दैट इज नॉट द एंड। अब कोलिजन के बाद क्वेश्चन आता है इन पार्टिकल्स को डिटेक्ट करने का कि हमें कैसे पता चले कि इस कोलिजन के बाद किस तरह के न्यू पार्टिकल्स का फॉर्मेशन हुआ है एंड क्या हमारे ओरिजिनल पार्टिकल्स अभी भी जिंदा हैं। वेल, इसका जवाब हमें पार्टिकल फिजिक्स देता है जो इन पार्टिकल्स का मैटर और फोर्स फील्ड के साथ होने वाले इंटरेक्शन को स्टडी करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में हमेशा एक पर्टिकुलर ट्रैजेक्टरी या पाथ में मूव करता है जो उसके चार्ज एंड मास पे डिपेंड करता है। अगर हमारे पास कोई दूसरा पार्टिकल है जिसके पास इलेक्ट्रॉन जितना ही चार्ज है बट उसका मास थोड़ा सा ज़्यादा है तो उसका ट्रैजेक्टरी भी इलेक्ट्रॉन से काफ़ी ज़्यादा अलग होगा एंड इस डिस्टिंक्ट सिग्नेचर का यूज करके हम इन इंडिविजुअल पार्टिकल्स की आइडेंटिटी को रिवील कर सकते हैं। ऐसा ही कुछ सन के 4 डिटेक्टर्स में होता है, CMS, एटलस, एलिस और LSCB, जहाँ से हम कलेक्टेड डाटा को स्टोर करके विच ऑन एवरेज 25 मिलियन GB डाटा पर ईयर प्रोड्यूस होता है को वर्ल्ड वाइड शेयर करते हैं, जिन्हें फिजिसिस्ट स्टडी करते हैं एंड हमारे यूनिवर्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश। इन सभी डिटेक्टर्स का अपना अपना खास रोल है, जिनमें से CMS एंड एटलस को हिग्स बोसॉन एंड हायर डायमेंशन की स्टडी के फोकस से बनाया गया है तो वहीं एलिस को हमने क्वार्ट ग्लूऑन प्लाज्मा जैसे स्टेट ऑफ मैटर को स्टडी करने के लिए बनाया है एंड LSCB, वेल दिस इज वेरी स्पेशल बिकॉज ये हमारे वर्ल्ड में मिसिंग एंटी मैटर मिस्ट्री को सॉल्व करने के पर्सपेक्टिव से बनाया गया है। वेल, आई होप जिंदगी हम सभी को मौका दे कि एटलीस्ट एक बार अपनी जिंदगी में अपनी आंखों से इतने बड़े बड़े कूल और ब्यूटीफुल एक्सेलरेटर को देख सकें। क्या आप जाना चाहोगे सन में अगर जिंदगी आपको मौका देती है तो? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिर मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में। टिल देन, स्टे क्यूरियस। के प्राणे, जय हिंद।